मंत्री राव इंद्रजीत ने एक बार फिर से गुज्जर समाज पर इशारों ही इशारों में तंज कस दिया है और सलाह दी है कि गुज्जर समाज के लोग अपनी जमीन बेचकर मालामाल हो गए हैं, मगर उन्होंने अपना पैसा बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया या नहीं, इस बात की चिंता है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने गुज्जर समाज पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि बेशक आपकी दादागिरी हरियाणा के अंदर मशहूर हो, यहाँ गुज्जर बसते हैं और यहाँ पर कोई ओलसोल नहीं कर सकता, मगर फिर भी पैसा बच्चों की पढ़ाइयों पर लगाओ क्योंकि आगे चलकर यही काम आएगा। राव इंद्रजीत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब मंच पर सीएम मनोहर लाल भी उन्हें पीछे से सुन रहे थे। बेच करके मालामाल तो हो गए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को उस पैसे को पढ़ाने के अंदर खर्च किया कि नहीं किया, ये चिंता मेरे दिल के अंदर है। यहाँ जितने भी बैठे हो आप लोग, आप जानते हो कि कितनी गुर्बत से आपके दादा परदादा निकले हैं, और आज के दिन अगर आपके पास पैसा आ गया, जमीन बेच करके आ गया, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाओ, अपनी घरवालियों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। आने वाले समय के अंदर बिड़ाई पढ़ाई के कोई काम नहीं चलेगा। बेशक आपकी दादागिरी सारे हरियाणा के अंदर मशहूर है कि भाई यहाँ गुजर बसते हैं, यहाँ पर कोई और सौड़ बात नहीं कर सकता कोई, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपना पैसे का सही इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करो। और दूसरा मैं यू कहना चाहता हूँ, बता दें कि गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत दमदमा गांव में आयोजित बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखे जाने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने गिरते जलस्तर को लेकर भी चिंता जाहिर की और लोगों के सहयोग की अपील की। सोहना से संवाददाता सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।